परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 11, इसके स्टार्टिंग क्लास में इसका जो कंसेप्ट आपको दिया गया है, दो तीन बात को ऑलवेज याद रखना है। जैसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बोलता है कभी भी कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग लिखते हैं एक्स और बट्टा में वाई और गुणा में 100। दूसरा, कभी क्वेश्चन बोलता है कि एक्स से वाई कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए जो हम लिखते हैं एक्स से वाई ज्यादा है तो वाई में एक्स घटेगा और बट्टा में एक्स और गुणा में 100 ऐसा। और तीसरा सिचुएशन बनता है कि एक्स से वाई कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, एरो नीचे दिए हैं कम के लिए, ठीक है। बोले एक्स से वाई कम है तो एक्स में वाई घटेगा बट्टा में एक्स और गुणा में 100। लेकिन आप जितने भी छात्र हैं ये तीन पोजीशन परसेंटेज का कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स से वाई कितना परसेंट ज्यादा है, एक्स से वाई कितना परसेंट कम है, इस तीन पोजीशन में आप में से बहुत सारे छात्रों को यहां जो नीचे बैठता है ना ये क्या बैठेगा, इसमें कभी कभार कंफ्यूजन होता है। तो वैसे छात्र जिनको नीचे क्या बैठेगा कंफ्यूजन हो, उसके लिए आज एक रामबाण बता देते हैं जो कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जिस संख्या के साथ में से शब्द लगा रहे या का शब्द लगा रहे वही यहां पर बैठेगा। बोले आज बोलता है ना एक्स वाई का, बोले वाई में का लगा इसलिए नीचे आया, बोले यहां पर एक्स से तो एक्स में से लगा इसलिए नीचे आया, एक्स से इसलिए एक्स नीचे आया। तो याद कर लीजिए सभी छात्र, जिस संख्या के साथ से शब्द या का शब्द लगेगा वही आधार बनेगा प्रतिशत मान निकालते समय, प्रतिशत कमी निकालते समय, प्रतिशत वृद्धि निकालते समय। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। बोला एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, वास्तविक संख्या क्या है। बोले किसी भी संख्या को आप अगर 10% बढ़ाएंगे और फिर 10% पहले घटाएंगे है ना, घटाया और फिर 10% बढ़ाएंगे तो ये -10 ये +10 और यहां पे माइनस दे करके ये ऐसा लिखना पड़ेगा, कारण हम बताते हैं ऐसा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये तो कट गया और यहां पर 1% नेगेटिव आया, मैंने कहा 1% की कमी हो गई, आज 50 की कमी है। बोले आप बोलते हैं 1% की कमी और क्वेश्चन बोलता है 50 की कमी, तो दोनों बराबर होगा। बोला वास्तविक संख्या बताइए, मैंने कहा हम 100% का मान निकालेंगे तो यहां कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका आ गया 5000। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 5000 ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, सो इजी द सिचुएशन इज, आप इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन ये जो लिखा हुआ ना इसका एक आधार आपको हम समझा देते हैं और उसी आधार को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आधार ये है कि अगर कोई भी एक सिचुएशन, देखिए हम एक रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगल आयत में एरिया लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर ये एक्स परसेंट बढ़े और ये वाई परसेंट बढ़े, हम दोनों पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो ये जो बढ़ता है ना वो एक्स प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई और बट्टा में 100, ये आपको याद रखना है, ऐसा इतना परसेंट बढ़ जाएगा एरिया। कोई एक ऐसा रिजल्ट जो किसी दो चीज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, एक को एक्स परसेंट बढ़ाते हैं एक को वाई परसेंट बढ़ाते हैं, तो रिजल्ट एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100% बढ़ता है। लेकिन इसी सिचुएशन में एक घटेगा और एक बढ़ेगा। बोले जब हम यहां पर लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट से एरिया लेते हैं और यहां पर ये आपका घटेगा एक्स परसेंट और ये बढ़ेगा वाई परसेंट ऐसा, तो अब ये जो आएगा ना वो माइनस में एक्स होगा क्योंकि घटा है, प्लस में वाई होगा और ये माइनस प्लस गुणा करके यहां माइनस हो जाएगा एक्स इंटू वाई बटा 100। मैंने इसी का हेल्प हम लोग लिए हैं। लेकिन ऐसा अब ये नेगेटिव आएगा तो कमी बताइएगा, अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उतने की वृद्धि बताइएगा। तो ये एक कंसेप्ट आपको हम यहां पर दे दिए, लेकिन आप इस बात में मत उलझिए, हम सीधा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं कि दोनों बढ़े तो रिजल्ट ऐसा बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट पर रिजल्ट डिपेंड करता तब, तो इसी में आप सोचकर माइनस प्लस अपने अनुसार बैठा देंगे। आप ये बेस बना लीजिए, माइनस यहां आएगा ये प्लस आएगा तो ये अपने आप यहां पर माइनस कर देगा इसको, तो ये चीज आपको सीखना है, ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, 10% घटा दिया 90% हो गया,
10% बढ़ा दिया, 110% हो गया, जो कट के 11/10। आज बोले ये कितना दिख रहा है, परसेंट में लगा दें अगर यहां पर, तो यहां पर आपका जो है 100 से ये कट गया, तो रिजल्ट आ गया 99%। बोलिए, मीनिंग है 10% कम 10% ज्यादा करने पर रिजल्ट 99% पर रुकेगा। तो बोले कमी कितने का, 1% का, और कमी कितने का, 50 का। 100% निकाल लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर 5000 आ जाएगा। बस यही तरीका है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 12 नंबर। देखिए ये 12 नंबर क्या कहता है, बोला किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, अंतिम मूल्य इतना होता है, आरंभिक मूल्य क्या था। बोले 10 बढ़ाएंगे 20 बढ़ाएंगे तो सीधे आप ये बात कर लेंगे, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 32% हो जाता है, ये तो दोनों वृद्धि है तो बढ़ेगा ही, तो ये आपका 32% की वृद्धि होगी। बोले आप बोले 32% बढ़ेगा, ये यहां इतना मूल्य बढ़ा नहीं है, बोला अंतिम मूल्य इतना हो गया, तो यहां क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। जब 32% बढ़ेगा तो 132% हो जाएगा, क्योंकि बेस तो 100% था ना, और 132 होगा और वही 33 के बराबर हो गया। बस यही ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। अगर बोलता कि 33 की वृद्धि हो गई तो हम सीधे 32 = 33 लिखते, लेकिन बोल रहा कि नहीं अंतिम मूल्य 33 हो गया, तो 32 बढ़ा, पहले से 100 था, 132% का मान 32 दिया, इससे 100% का मान निकालेंगे तो ये आपका 33 होगा, ऊपर में 100 होगा, नीचे में 132 होगा। बोले 4/25 ऐसा, मीनिंग आपके प्रश्न का आंसर 25 रुपया हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा लेसन है, आपके किसी भी एग्जामिनेशन में परसेंटेज के बिना एग्जाम नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आप सारे छात्र। 12 के बाद आते हैं 13 नंबर पर, ये 13 क्या कहता है, सी हियर। बोला यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। बोले इसका ट्रिकी अप्रोच सीधा होगा कि 20% बराबर 80, 100% बराबर निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, जैसे 20 से 400 ऐसा आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसा ये डायरेक्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए पहले थोड़ा सा हम बेसिक आपको दिखाते हैं। बोले संख्या आप मानेंगे एक्स, और बोला कि x के 80% में 80 जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगा, मींस x मिलेगा। अब बोले ये 80/100 को काट लेंगे तो 4/5 प्लस में 80 बराबर में x होगा। अब हम x में से इस x गुना 4/5 को घटा दिए तो 80 के बराबर होगा, और ये कैलकुलेशन से आपका x/5 हो गया, जो 80 के बराबर हो गया, और x का मान निकालिए तो 400 हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। इस प्रकार से ऐसे सारे क्वेश्चन को आप इजीली डील कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्रिकी अप्रोच भी दिए, बेसिक मेथड भी दिए, लेकिन ट्रिकी अप्रोच जो दिया गया उसमें ट्रिक हम क्यों लगाए हैं, किस कारण से, वो आपका उत्तर दे सकता है, ये भी समझा देते हैं आप सभी बच्चों को। चलिए यहां पर देखते हैं। बोले ये शब्द केवल दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी संख्या खुद का 100% होता है, खुद का 100% होता है, ये जीके याद कर लीजिए, समझा भी देते हैं, मैथ्स है। बोलिए कोई भी संख्या खुद का 100% होगा, क्यों, क्योंकि 100% का वैल्यू 100/100 से 1 हो जाता है, ऐसा। तो बोलिए एक्स बराबर में एक्स का 100% लिखने में क्या विवाद है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये x(1) होगा तो x = x हो जाएगा, यही चीज आपको समझा रहे हैं। तो याद कर लीजिए कि कोई भी संख्या खुद का 100% होता है, इसलिए अब पढ़िए किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा गया, तो देखिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं, 80% में 80 जोड़ा गया तो बोला कि वह संख्या प्राप्त हो गया, है ना, और संख्या का अर्थ है 100%, है ना, इसलिए यहां पर आप बराबर में लिखेंगे 100%, और जब यहां बराबर में 100% लिखेंगे तो बोले ये 80% 100% में घटेगा तो उस तरफ में 20% हो गया, बराबर में 80 हो गया। अब 100% निकालेंगे ओरिजिनल मान, 20 का 4 फोल्ड, 100 से 4 गुना करेंगे, 400 आपके प्रश्न का आंसर। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को उतना जल्दी में उस तरीके से बता दिए थे। तो ये तो एक बार आप समझ गए, लिख लिए, इस हिसाब से बना लिए, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा गया है तो संख्या प्राप्त हो गया, तो 100% मिल गया ना, इसलिए 100% जब है तो 20% ही जोड़ा गया, जो 80 जोड़े जाने के बराबर होगा, और 20% का मान 80 से आप डायरेक्ट लिखते हैं कि 20% बराबर 80 से 100% का मान निकाल लिया जाए तो यहां पर 400 आ जाता है, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है। यही ट्रिक आपको ऐसे सारे क्वेश्चन में एडॉप्ट करना है। चलिए
13 के बाद 14 नंबर पर आते हैं आज के क्लास में। चलिए अब बोलता है कि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। बोले हम 60 में 60 जोड़कर 120 बना देंगे और ये 60 के बराबर लिखेंगे और 100% का मान निकालेंगे। 60 से दो बार में 100 से गुना 200। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। अब कैसे फिल करिए। बोले संख्या x के 60% में 60 लेस किया गया तो रिजल्ट 60 आया। बोले x का यहां से 60/100 को काट कर लिखे, ये 60 ऐड हो जाएगा, 120 होगा और x का मान बोलिए 3 से 40 × 5। आपके प्रश्न का आंसर 200। तो गया 200। ट्रिक ये है, इतना जल्दी बनेगा और थोड़ा कंसेप्ट लेना चाहेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, फिर भी जल्दी बनेगा, है ना। तो आप सारे छात्र जिस मेथड में इजी फील करें आप उसी मेथड को याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। यह बोलता है कि सी की आय बी से 20% ज्यादा, बी की आय ए से 25% ज्यादा है। बोले आप यहां पर ए बी सी लिख दीजिए और बोले सी बी से ज्यादा और बी जो है ए से ज्यादा, तो बोले बी ए से ज्यादा है और सी भी सी बी से ज्यादा है, ठीक है। तो बोले आप ए को मानिए, ए 100। अब बोलिए बी ए से 25% ज्यादा, तो ये 125, बी ए से 25% ज्यादा। और क्या बोलता है, सी जो है वो 20 से 20% ज्यादा, माने इस 125 से भी 20% ज्यादा, इस 125 से 20% ज्यादा। बोले 20% ज्यादा का मान 6/5, 2500, मीनिंग है यहां ऐसा लिख दिए, 25 से काटेंगे 4 बार में 5 बार में 6 बार में। अब क्वेश्चन बोलता है कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बोले सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो अभी तो लिखा थे ना कि एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है, तो पहले इन दोनों का अंतर। और क्या बोला, सी ए से, जिसमें से लगा वही नीचे बैठेगा और परसेंट के लिए गुना में 100 होगा। आज बोले ये 25 है, ये 2 है, तो 25 × 50% ज्यादा। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी में आ चुका है, ये उत्तर कर दीजिए। चलिए 15 के बाद 16 नंबर क्या कहता है देखिए, 16 को देखिए। चलिए 16 नंबर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, फिल करिए। दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बोले आज यहां पर अगर हम ए बी सी लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा को 100 मानेंगे और क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्या तीसरी से क्रम तीसरी का क्रमशः 20% और 50%। बोले इसका 20 ही% है, 20% ज्यादा कम नहीं बोल रहा है, ज्यादा कम बोलेगा तो इसका 20% 20 इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन आज सीधे 20% बोला, तो 100 का 20% 20 और 100 का 50% 50, 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, बोले x y का कितना प्रतिशत है, x / y गुना 100, 2 5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 में का लगा नीचे बैठेगा, ऐसा आप इसको सॉल्व कर दिए, आपके प्रश्न का आंसर 40% हो गया जो यहां पर आपको दिख रहा है। चलिए 16 के बाद आते हैं 17 नंबर पर, यहां देखो। बोला चीनी की कीमत में 20% की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाती है, एक व्यक्ति अब 36 रुपया में 500 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए चीनी का आप जो है ना प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए कि चीनी मिलता कैसे था, वो चीज ₹x/kg ऐसा। बोले प्रारंभिक मात्रा कितना मिलता होगा, प्रारंभिक मात्रा तो बोलिए वो खर्च करता था 36 रुपया, तो 36/x kg इसको मिलता था, लेकिन बोलता है कि चीनी का मूल्य 20% कम हो गया और आपसे बोलता है, तो चलिए ये आपका गिरा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य जो है गिरा हुआ मूल्य, तो बोले गिरा हुआ मूल्य कैसा बोल रहा है क्वेश्चन, तो बोला है 20% कम, बोलिए एक्स रुपया था, अब 20% कमी का अर्थ होता है 80%, जो 4/5 होता है, इसीलिए यहां पर 4/5 ऑफ एक्स हो गया, इतना रुपया पर केजी चीनी मिलने लगा, तो आपको चीनी की नई मात्रा उसी 36 रुपया में कितना आएगा, तो 36/4/5 एक्स ऐसा, इतना केजी, बोले 4 से 9 9 5 45/x एक्स हो गया, अब इतना केजी मिल रहा है। क्वेश्चन बोला रेट गिरने से चीनी का मात्रा ज्यादा आने लगा, तो बोले 45/x kg आपको मिल रहा है उसी पैसे में जिसमें 36/x kg मिलता था, इन दोनों का अंतर 500 ग्राम बोला है, हम सीधे आधा केजी लिख दिए क्योंकि ये पर केजी के रेट से आपका निकाला हुआ है, यहां पर आप आधा केजी लिख देंगे।
अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो बोलिए ये 9 बट्टा में x बराबर में ऐसा, इसलिए x का मान हो गया 18 रुपया पर केजी। आपसे प्रारंभिक मूल्य ही बोला है और प्रारंभिक मूल्य x रुपया पर केजी था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 18 रुपया पर केजी देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच में, ये तो कंसेप्ट हम दिए, बोले टेक्निकली जब इसको डील करिएगा तो क्या करना, देखिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गिरा हुआ मूल्य निकलता है, एरो डाउन कर दे, गिरा हुआ, अप करते तो बढ़ा हुआ। गिरा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे ऐसे प्रश्न में, तो देखिए जैसे बोला 20% की कमी वृद्धि, जो भी बोले आपको मतलब नहीं है, 20% 36 रुपये का निकाल लेना है, बोले आप 36 का 20% निकाल लिए और इसी में जितना केजी ज़्यादा या कम मिलेगा, 500 ग्राम बोला है, तो बोले 500 ग्राम को आप सभी छात्र समझते हैं ये आधा केजी होता है, 500 बट्टा 1000 काट के बोले यहां आधा लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा तो गिरा हुआ मूल्य निकल रहा है, 36 × 72 = 14.40 ऐसा, ये आपका जो है ना गिरा हुआ मूल्य निकला। लेकिन आपको गिरा हुआ मूल्य तो नहीं पूछा है, 20% कमी का अर्थ होता है 80%, जो 4/5 ऐसे, इसीलिए 14.40 ये जो गिरा हुआ मूल्य निकला, बोले प्रारंभिक मूल्य से ज्यादा रहा होगा, मूल्य कम होने पर 14.40 है तो पहले ज्यादा रहा होगा, ज्यादा रहने के लिए इसी का उल्टा गुणा करेंगे, मिलेगा 5/4 ऐसा, 36 × 5 = 180, 18 रुपया पर केजी ये जो निकला ये आपका प्रारंभिक मूल्य हो गया। तो यही आपका ट्रिकी अप्रोच है। लेकिन देखिए ये दो स्टेप में अभी हम आपको बता दिया ऐसे, है ना, क्यों, क्योंकि कभी कभार गिरा हुआ मूल्य पूछेगा तो आप उतना ही पे रुक जाएंगे, कभी कभार प्रारंभिक बोलेगा तो आगे बढ़ेगा, और प्रारंभिक मूल्य जब भी निकालना है ना तो इस गिरे हुए मूल्य चाहे बढ़े हुए मूल्य से इसका फ्रैक्शन का उल्टा गुणा करके निकलता है, यही आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 18 नंबर देखिए, बोला एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने से एक आदमी 100 रुपये में 3 केजी अधिक खरीद सकता है, वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, गिरा हुआ है। बोले आपका यही उत्तर आएगा डायरेक्ट में, क्या बोले थे, इस 100 रुपये का 21% 21 रुपया होगा, इसको 3 केजी से भाग लगाएंगे, 7 रुपया पर केजी आपके प्रश्न का आंसर होगा, हो गया। अगर इस प्रकार से आप सारे लेसन्स को पढ़ेंगे निश्चित रूप से अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। 19 को देखिए, ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 200 रुपए में 5 केजी अधिक चीनी प्राप्त होता है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य और गृह मूल्य का अंतर। बोले यहां दोनों मूल्य निकालना है इसलिए अलग अलग ही निकालेंगे। बोलिए आप सबसे पहले क्या है, कमी होने के कारण गिरा हुआ मूल्य निकालिए, 200 रुपये का 20% 40 को 5 से भाग लगा देंगे, एक आंसर आ गया 8 रुपया पर केजी। लेकिन बोलिए 20% कमी का अर्थ 80%, 80/100 काट के 4/5, और इससे हम प्रारंभिक मूल्य जब निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगा, तो इस 8 में 4/5 का उल्टा गुना करना पड़ेगा, और उल्टा गुना करके यहां पर 10 आ जाएगा, तो बोले 10 रुपया पर केजी, 8 रुपया पर केजी का अंतर लेंगे तो 2 रुपया पर केजी आपके प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए 19 के बाद आ जाइए 20 नंबर पर, देखिए ये क्या बोलता है, बोला एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 259 छात्र असफल। बोले किसी एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षार्थी बैठे हैं, 93% अगर पास हो गया है तो फेल बता दीजिए 100 में घटाकर 7%, और क्वेश्चन फेल का एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि 259 छात्र फेल हुए, ये दोनों बराबर, इसी से हम 100% का मान निकालेंगे, तो 7 से कटेगा 7 × 21 और 7 × 7 = 100 आपके छात्र कितने थे, तो आंसर हो गया 3700। चलिए 20 के बाद आते हैं 21 नंबर पर, 21 आज क्वेश्चन बोलता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां शामिल होते हैं। बोलिए बॉयज और गर्ल्स, 1000 लड़का परीक्षा दिया, 800 लड़की परीक्षा दी, 60% लड़के और आपको 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, जो हम टिक लगा दिए हमने पास हुए, तो फेल 40% लड़का और 100 में 50 घटाइए तो 50% लड़की ये फेल है। अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उत्तीर्ण वाले का ही प्रतिशत मान पूछा है। बोले फेल परसेंट निकालना है, आप भरबली करिएगा, 1000 लड़के का 40% निकालिए, 400 लड़के फेल,
800 का 50% निकालिए तो ये आपका 400, ये लड़की फेल कितने में, 1000 प्लस 800 में, मीनिंग है 1800 बच्चों में 800 बच्चे फेल हो गए, तो 800 बट्टा 1800 और गुना 100, यही तो फेल का परसेंट देगा। अब इसको काटेंगे तो 400 बट्टा में 9 हो गया, अब 9 4 36 और दशमलव में ऐसा, मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर 44.4% आ चुका है। तो चलिए 21 नंबर भी हो गया, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर जो कि 22 नंबर है। ये 22 नंबर क्या कहता है उसको देखिए, बोले एक विद्यालय में लड़के लड़की के बीच 4:1 का अनुपात है, ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन रेशियो में है, वहां एग्जैक्ट नंबर 1000-8000 बोला, यहाँ 4:1 का रेशियो बोला। आज 75% लड़के और यहां से बोल रहा है कि 70% लड़कियां है ना, ऐसे इनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो यहाँ 25% को नहीं मिलता है और यहाँ 30% को नहीं मिलता है। आज बोला छात्रों का प्रतिशत जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है ना, नो, ये वाला परसेंट निकालना है। बोले 4 का 25% 1 प्लस 1 का 30% 0.3 और बट्टा में आपका 4 + 1 और गुना में 100, इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से 20 और ये 26 आ जाएगा, 1.3 20 26, आपका आंसर होगा 26%। सर्च करिए यहाँ पर है, जिनको दिक्कत हो यहाँ देख सकते हैं, वो 4 बच्चों का 25% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 25 × 4 100 बट्टा 100 कट के 1, वही 1 लिखे थे, और 1 का 30% निकालिएगा तो 1 और गुणा में 3/10, तो इसको सॉल्व करने पर 0.3 और वही 0.3 लिखे थे। तो जिन बच्चों को दिक्कत है आप इस हिसाब से इसको देख लेंगे, आराम से बनेगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में पढ़ चुके हैं ये 22 नंबर क्वेश्चंस तक, और सारे क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए बहुत निर्णायक सिद्ध होगा, इंपॉर्टेंट है, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ सपोर्ट करते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, आप मंजिल तक पहुंचिए, आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।